हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और ऐसा मैं आज बिल्कुल नहीं बोलूँगा गाइस, क्योंकि आज का वीडियो अपडेट्स से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आज हम कवर करेंगे अर्ली प्रेडिक्शंस गाइस। यस, दिस इज एन अर्ली प्रेडिक्शन वीडियो फॉर मिस्टर ओलंपिया ओपन डिविजन। तो हम टॉप 10 की यहाँ पर बात करेंगे। और इस वीडियो को गाइस प्लीज़ टेक इट लाइटली। फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो बिल्कुल मिस्टर ओलंपिया के करीब आएगा, जब चीज़ें पूरी तरह से सर्टेन हो जाएंगी। अभी ये वीडियो है अभी के टाइम के पीरियड के हिसाब से, जैसी अपडेट्स आ रही हैं, जैसी एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं उस बेसिस पर। तो दो तीन चीज़ें इस वीडियो में मैंने कंसिडरेशन में ली हैं। पहली चीज़, ब्रैंडन करी का भी श्योर नहीं है गाइस, ही इज़ गोइंग टू बी कम्पीटिंग और नॉट। वैसे उनके बारे में बोला जा रहा था कि अब्दुल्ला के साथ ही इज़ नॉट ट्रेनिंग, तो उनके कोच चेंज हो गए हैं एंड ही वॉज स्टार्टिंग हिज प्रेप। लेकिन बीच में अभी ये भी रूमर में सुनने में आया था कि ही इज़ ऑप्टिंग आउट, इसीलिए उनको लिस्ट में शामिल नहीं करा गया है। दूसरी चीज़ मैंने कंसिडरेशन में जो ली है वो ये गाइस कि हंटर अब्राडा इज़ गोइंग टू क्वालिफाई। यस, अभी तक ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, इटली प्रो में कम्पीट करने वाले हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनकी फिजिक लग रही है गाइस और कॉम्पिटिशन है उस शो का, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि हंटर इज़ गोइंग टू क्वालिफाई और इसीलिए उनको लिस्ट में शामिल करा गया है। तीसरी चीज़ ये है गाइस कि भैरूस तबानी इस बार इज़ गोइंग टू गेट द वीज़ा। यस, उनको काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी, बट इस बार जैसे उन्होंने खुद को प्रूव कराया गाइस, बहुत सारे शोज़ में कम्पीट कराए, IBB एक्चुअली वॉन्ट्स हिम ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज, ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल, एंड इसीलिए उनको लिस्ट में शामिल करा गया। बाकी इसके बाद गाइस मैं जानना चाहूँगा आपकी लिस्ट, अभी से मेरी ओपिनियन जाने बिना आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो कि आपके हिसाब से टॉप 10 लिस्ट में कौन आ रहा है। बाकी इसके अलावा गाइस कमेंट सेक्शन में उल्टे सीधे कमेंट टाइप करने से पहले ये चीज़ आप बिल्कुल जान लें कि लास्ट ईयर मैंने ही प्रेडिक्ट करा था कि डेरेक लंसफोर्ड इज गोइंग टू बी द चैंपियन। इसके साथ एक और वीडियो आया था बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर, द टफेस्ट चैंपियन टू बीट। उस वीडियो में मैंने बात करी थी कि कौन सा चैंपियन बीट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर मैंने बताया था कि शॉन क्लाइडा कैन बी बीट, एरिन बैंक्स कैन बी बीट, हार्डी चुपन कैन बी बीट, ओनली क्रिस बम्स्टेड, सिर्फ क्रिस बम्स्टेड के बारे में मैंने बात करी थी कि ये शायद बीट नहीं करे जाएंगे एंड ही इज़ गोइंग टू बी द टफेस्ट चैंपियन टू बीट। और यही हुआ गाइस, हमने यही देखा कि शॉन क्लाइडा ने भी टाइटल लूज़ कर दिया, उसके बाद एरिन बैंक्स ने भी टाइटल लूज़ कर दिया और हार्डी चुपन ने भी टाइटल लूज कर दिया, सिर्फ क्रिस बम्स्टेड ने रिटेन कर अपना टाइटल। सो इस हिसाब से आप लोग जान लो कितनी जबरदस्त प्रेडिक्शन हुई थी उस वीडियो में भी और डेरेक के चैंपियन बनने के बारे में भी। बाकी एनीवेज, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 10th प्लेस पर गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर प्लेस हो रहे हैं अकीम विलियम्स। इस साल गाइस टोरंटो प्रो शो जीतकर इन्होंने क्वालिफाई करा मिस्टर ओलंपिया के लिए। इस साल हमने देखा अकीम विलियम्स का करियर पूरी तरह से रिवाइज होते हुए। इस साल से पहले गाइस हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अकीम विलियम्स इस तरह से वापसी करेंगे। ऐसा बोला जा रहा था कि टेन्योर्ड बॉडी बिल्डर्स की तरह अकीम विलियम्स इज आल्सो गोइंग टू बी रिटायर्ड और इनका टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है आज के टाइम पे, आज के कॉम्पिटिशन के सामने। बट जब से इन्होंने क्रिस असितो के साथ ट्रेन करना स्टार्ट करा गाइस, एक से एक अमेजिंग फिजिक इन्होंने प्रेजेंट करी। इस साल इन्होंने 3 शोज में कम्पीट करा गाइस, सबसे पहले आर्नो क्लासिक ओहायो जहां पर इनकी हमने फिजिक देखी बहुत ज्यादा कंडीशन कैरी करती हुई, बट उसके बाद भी गाइस इनकी फिजिक आई 6th प्लेस पर, इनकी फिजिक को वहां पर प्लेसिंग मिली 6th। यस, उसके बाद आई बारी आर्नो क्लासिक यूके की। आर्नो क्लासिक यूके में इन्होंने प्री जजिंग में गाइस 4th प्लेस के लिए कंसीडर करे जा रहे थे, बट 3rd प्लेस पे एंड अप करे इन द फाइनल्स। और आर्नो क्लासिक ओहायो में इनको बीट करा था जॉन डेरोसा, राफेल बैंडोव और जेम्स हॉलिंगसेड ने 3rd, 4th एंड 5th प्लेस के लिए। तो यहाँ पर राफेल बैंडो तो वॉज नॉट कम्पीटिंग, बट जेम्स हॉलिंगसेड को और जॉन डेलरोजा को इन्होंने बीट करके 3rd प्लेस अपने नाम करी। तो ऑलरेडी इनकी 6th से 3rd प्लेस आ गई थी आर्नो क्लासिक ओहायो से यूके तक के डिफरेंस में। आर्नो क्लासिक यूके में गाइस इनकी फिजिक बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन थे और काफ़ी टाइम पर गाइस, काफ़ी ज़्यादा पोजिंग के टाइम पे ये सैमसन डॉडा को भी टक्कर दे थे इन टर्म्स ऑफ मसल मास, इन टर्म्स ऑफ मसल हार्डनेस। जो थिकनेस इनके मसल्स में अपियर कर रही थी ना, जो इनकी कॉर्ड्स में और इनके आर्म्स में अपियर कर रही थी, दैट वॉज जस्ट नेक्स्ट लेवल। तो ही वॉज लुकिंग रियली गुड। उसके बाद गाइस टोरंटो प्रो में जब ये आए तो इनकी कंडीशन लास्ट के 2 शोज के कंपैरेटिवली कम थी, बट उसके बाद भी इट वॉज गुड इनफ टू विन द शो। तो इन्होंने एक तरह से स्टेटमेंट बना दिया है गाइस कि आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, आई एम जस्ट हियर, और अभी भी मुझमें बहुत ज़्यादा गैस बाकी है, आई कैन डेफिनेटली विन एनी शो आई चूज टू कम्पीट इन। और जिस तरह से इनकी अपडेट्स दिख रही है गाइस, जिस तरह से इनकी फिजिक अपियर कर रही है, टोटली मैं देखता हूँ उनको टॉप 10 क्रैक करते हुए। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा लाइनअप है, जिस तरह के कंपेटिटर्स इस बार क्वालिफाई हो चुके हैं गाइज, मुझे लगता है ये टॉप 10 में 10th प्लेस पर ही एंड अप करेंगे। बाकी इसके बाद बात करेगा इस 9th प्लेस की, तो 9th प्लेस पर मैं देखता हूँ भैरूस तबानी को। यस गाइज, अ वेरी प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल ईयर ये रहा है भैरूस तबानी के लिए। देखो सबसे पहले अगर बात करें इनके इस साल की, तो ही हैज़ बीन रनर अप इन एम्प्रो क्लासिक अगेंस्ट विलियम बॉनेक।
उसके बाद गाइस इन्होंने इटली प्रो जीता नैथन डियाशा के अगेंस्ट, एंड नैथन डियाशा वॉज अ वेरी इंप्रूव्ड नैथन डियाशा गाइस, पूरी तरह से मसल मैच्योरिटी तो आप जानती है वो कैसी कैरी करते हैं, साथ में गाइस बहुत ज़्यादा मसल मास ऐड करके आए थे, तो एक बेटर वर्जन था बहुत ज़्यादा कंपेयर टू द अर्लियर वर्जन ऑफ नैथन डियाशा। उनको इन्होंने बीट करके क्वालिफाई करा, उसके बाद अगेन ही कम्पीटेड इन दुबई प्रो। दुबई प्रो में नैथन, विलियम और नेक्सिला इन तीनों को बीट करके $100,000 का चेक इन्होंने अपने नाम करा। माइलोस को फर्स्ट टाइम मिले थे इस टाइम पर ये, जबकि माइलोस के साथ काफी लंबे टाइम से ट्रेन कर रहे हैं गाइस। ही कम्स कंडीशन एवरी सिंगल टाइम ही इज ऑन द स्टेज गाइस, हमेशा इस तरह की कंडीशन लाते हैं। आई थिंक स्टार्टिंग में एक और शो में इन्होंने कम्पीट करा था, रोमानिया था या फिर प्राग प्रो था, जहां पर सैमसन डॉडा के अगेंस्ट सेकंड प्लेस पर, यानी कि वहां पर भी रनर अप एंड अप करे थे ये, वहां पर भी सैमसन को कई सारे पोजीज में पूरी टक्कर दे रहे थे, नेल बाइटिंग बैटल हो गई थी। कंडीशनिंग कभी मिस नहीं करते, मसल मैच्योरिटी इनसेन लेवल की कैरी करते हैं, एस्थेटिक्स पूरे हैं प्रॉपरली इनके पास, यस कॉर्ड्स इनकी देखो टाइलर मेनियन ने बोल दिया कि ऑलरेडी इंप्रूव्ड है, बट अभी और थोड़ी सी मसल मास चाहिए, और शायद इसीलिए गाइस मैं इनको नाइन्थ प्लेस पर देखता हूं, क्योंकि लाइनअप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। साथ में गाइस एक और चीज है कि देखो वीजा इनको अभी नहीं मिला है, बट चांसेस आर वेरी हाई कंपेयर टू एवरी सिंगल ईयर कि इनको इस बार वीजा मिल जाएगा, स्पेशली जिस तरह से इन्होंने शोज के अंदर कंपीट करा है, आई थिंक चार शोज में कंपीट करा है, या तो ही हैज वॉन द शो या फिर ही हैज बीन द रनर अप, उससे नीचे इनकी प्लेसिंग आई ही नहीं, तो आप सोच लो कितना इंपैक्टफुल इनका ईयर रहा है, कितनी इंपैक्टफुल इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, एंड हाउ इंपैक्टफुल ऑफ अ बॉडी बिल्डर ही इज। और अगर इस बार भी इनको वीजा नहीं मिल पाता ना, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट गाइस। तो इस बार अगर इनको नहीं मिल पाता तो नेक्स्ट ईयर तो इनको मेरे ख्याल से फिर आर्नो क्लासिक में ही कम्पीट करके आर्नो क्लासिक जैसे बड़े शो का टाइटल ही जीतना पड़ेगा, उसके बाद इनके चांसेस बनेंगे कि इनको बिल्कुल सीरियस लिया जाएगा, बिकॉज मिस्टर ओलंपिया के बाद दैट इज द सेकंड बिगेस्ट शो, उसको जीतने के बाद ही इनको ऐसी लाइमलाइट मिलेगी कि इनको आईबीबी सोचेगा कि भाई इनको छोड़ नहीं सकते, वी नीड हिम ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज। या फिर एक दूसरी चीज भी है गाइस, जैसे इवोजिन के एथलीट होने की वजह से हाड़ी चुपन को वीजा मिलने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, वैसे ही इनको भी कोई ना कोई यूएसए स्पॉन्सर चाहिए होगा, इनको यूएसए का कोई सप्लीमेंट ब्रांड मिल जाएगा अगर प्रमोट करने के लिए तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, इनके चांसेस बहुत ज्यादा इजियर हो जाएंगे टू गेट टू द स्टेट्स और उसके बाद मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ने के लिए। बाकी इनको मैं नाइन्थ प्लेस पर देखता हूँ गाइस। एनीवेज इसके बाद अगर चले एट प्लेस पर गाइस, तो वहां पर मैं देखता हूँ राफेल बैंडो को। अब राफेल ने देखो इस पूरे सीजन में सिर्फ दो शोज में कम्पीट करा है, पहला शो था इनका काफी लंबे गैप के बाद जो ये रिटर्न कर रहे थे आर्नो क्लासिक ओहायो, वहां पर इनकी थर्ड प्लेस आई, एक बहुत ही इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस, एक बहुत ही जबरदस्त फिजीक ये लाए थे, मसल मास जो इन्होंने ऐड करी थी वो दिख रही थी गाइस, और कोई भी पोज इनका वीक नहीं था ऐसा हम लोगों को भी लगा। और बाद में टाइलर मिनियन जो रिव्यू करते हैं शो को, उसमें भी उन्होंने राफेल के बारे में यही बोला कि इनका कोई भी पोज वीक नहीं है, ही इज वेरी वेरी गुड और सच में समवन टू कीप एन आई ऑन। उसके बाद हमें लगा कि राफेल बैंडो चलो यहाँ पे नहीं जीत पाए, लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, फिर भी थर्ड प्लेस अपने एंड अप करे और कई पोजिशन में सैमसन को बहुत अच्छे से पुश करा, तो हमें लगा कि नेक्स्ट रो में तो ये जीत ही जाएंगे। उसके बाद ये कम्पीट करने उतरे आर्नो क्लासिक ब्राजील में, बहुत ज्यादा हाई होप थी, अपनी कंट्री में कम्पीट कर रहे थे, लेकिन वहां पर इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, कंडीशनिंग में थोड़ा सा लैग करते हुए दिखे और टोनियो बर्टन के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंस गए। तो यहां पर चलो इनका जीतना सही था, लेकिन इतनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं थी गाइस, तो एक तरह से इनकी जो हाइप क्रिएटेड थी सारी की सारी वो नीचे आ गई, नहीं तो टॉप सिक्स के लिए पूरी तरह से कंसीडर करे जाते, इसीलिए गाइस मैं इनको एट प्लेस पर रखता हूं, क्योंकि इस ऑफ सीजन में अभी भी इन्होंने काफी अच्छी मसल मास ऐड कर ली है। अब देखो कट डाउन करने पे पता लगेगा किस तरह की रिटेन कर पाते हैं, लेकिन गाइस आई रियली बिलीव कि ही कैन गेट रियली डाइस्ड, और जिस तरह की लाइंस ये कैरी करते हैं ना, जिस तरह के एस्थेटिक से कैरी करते हैं, आई थिंक अगर ये बिल्कुल डाइस्ड हो गए तो टॉप एट आने से इनको कोई नहीं रोक सकता। सेवंथ प्लेस पर मैं देखता हूँ यहाँ पर मार्टिन फिट्सवाटर को। अब मार्टिन फिट्सवाटर को मैं इतने ऊपर क्यों देखता हूँ गाइस, क्योंकि दोनों ही परफॉर्मेंसेज इनकी इस साल की गाइस बहुत ही इंपैक्टफुल रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रही हैं। देखो सबसे पहले एक लंबा गैप लेने के बाद, आई थिंक डेढ़ साल का गैप लेने के बाद ये रिटर्न कर रहे थे स्टेज पर, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये क्वालिफाई नहीं करे थे। पहले इन्होंने टेक्सास प्रो में कम्पीट करा था एंड्रू जैक के अगेंस्ट, वहाँ पर ये सेकंड आए थे, उसके बाद दूसरे आर्नो क्लासिक में भी कम्पीट करा था और वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से प्लेस नहीं हो पाए थे, इनकी प्लेसिंग और ज़्यादा गिर गई थी, तो ही कुड नॉट क्वालिफाई। और उसके बाद नेक्स्ट पूरे ईयर का गाइज इन्होंने ऑफ सीजन लिया, एंड वॉट अ ग्रेट ऑफ सीजन ही टुक, ऑल द ग्रेट मसल मास ही कुड एड ही रियली एडिट, बहुत ज़्यादा अच्छी मसल मास इन्होंने अपने फ्रेम पर ऐड कर ली, मसल्स पूरे प्रॉपरली पॉप कर रहे थे, कहीं कहीं गाइस हमें फिलहीत की झलक भी दे रहे थे ये अपने इस सीजन के पहले शो में जब इन्होंने कम्पीट करा गाइस डिट्रॉयट प्रो में, वहाँ पर गुडविटो के साथ एक बहुत ही अच्छी बैटल देखने को मिली, यस गुडविटो ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा पुश करा, इससे हमें ये भी पता लगा हाउ ग्रेट ऑफ अ बॉडी बिल्डर गुडविटो इज। तो मार्टिन यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा इस, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली, फिलहीत की काफ़ी ज़्यादा झलक देखने को मिली, मसल राउंडनेस, मसल फुलनेस
बहुत ही कंप्लीट एस्थेटिक बॉडी बिल्डर देखने को लगे। उसके बाद गाइस इनको कंपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये उसी मोमेंटम को पूरी तरीके से कैरी कर सकते थे, लेकिन ही डिसाइडेड दैट आई वुड कंपीट इन न्यूयॉर्क प्रो, क्योंकि ये चाहते थे कि मेरी विक्ट्री को कोई भी एक फ्लूक ना बोले। और इसी तरीके से गाइस इन्होंने कंपीट करने का डिसाइड करा एक ऐसे शो में जहां पर निक वॉकर जैसे म्यूटेंट रिटर्न कर रहे थे और टोनी ओबर्टन जैसे टॉप 10 के एथलीट कंपीट कर रहे थे, और वहां पर टू आवर सरप्राइज गाइस, टू एवरीवन सरप्राइज, इन्होंने निक वॉकर को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पुश करा। टोनी ओबर्टन तो बैटल में थे ही नहीं, एंजल कार्लटॉन वो भी यहाँ पे 212 डिवीजन से ओपन में मूव करके कंपीट कर रहे थे, लेकिन वो भी बैटल में नहीं थे। इतने ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर मार्टिन फिट्जवाटर लग रहे थे, ही वॉज रियली कंडीशन, ही वॉज रियली एस्थेटिक, ही वॉज रियली कम्प्लीट, इनके कॉर्ड्स वर ऑल्सो लुकिंग रियली गुड, मसल सेपरेशन बहुत ज़बरदस्त लाए थे और पीक इनसेन लेवल की थी। मतलब आप समझ जाओ कि अगर निक वॉकर को कोई पुश कर रहा है तो कितनी ज़बरदस्त कंडीशन वो कैरी कर रहा होगा, सिर्फ एक एस्थेटिक्स के बेस पे तो नहीं कर सकता, राइट? तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दी, और इसीलिए गाइस इस साल मार्टिन फिट्जवाटर इज रेडी टू मेक अ बिग स्टेटमेंट, जिस तरह की इनकी अपडेट्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है गाइस कि ये टॉप 10 के लिए आ रहे हैं पूरी तरीके से, और एक स्टेटमेंट बनाना है इनको बहुत ज़्यादा बड़ा। और अभी तक दोनों परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही इंपैक्टफुल रही हैं, साथ में इन्होंने बहुत अच्छे बैटल करी है बहुत ज़्यादा अच्छे एथलीट्स के साथ में। तो मुझे लगता है एब्सोल्युटली मार्टिन फिट्जवाटर इस बार सरप्राइज करेंगे और अपने डेब्यू ईयर में ही टॉप 7 ये क्रैक कर लेंगे। बाकी एक्चुअल पिक्चर फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो में ही सामने आएगी, लेकिन अभी के लिए आई रियली सी हिम एज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। बाकी इसके बाद गाइस नेक्स्ट प्लेस यानी कि 6th प्लेस पर मैं देखता हूँ हंटर लेब्राडा को। यस, अब आप लोग बोलोगे कि भाई हंटर तो क्वालिफाई भी नहीं है, आप उनको 6 पर कैसे रख रहे हो? मैं हंटर को गाइस 6 पर इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था इस चीज़ को हम कंसीडरेशन में ले रहे हैं कि हंटर क्वालिफाई कर जाएंगे, एंड आई रियली सी कि जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स हंटर ने करी है गाइस इस साल, ही ब्रेथ बॉडी बिल्डिंग, ही एट बॉडी बिल्डिंग, ही स्लैब बॉडी बिल्डिंग, मतलब हर चीज़ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के वे में ही करी है। इस तरह की डेडिकेशन उनकी बॉडी बिल्डिंग यानी स्पोर्ट के टूवर्ड्स कभी भी नहीं थी, अपने गोल्स के टूवर्ड्स कभी भी नहीं थी। डाइट, वर्कआउट, पोजिंग, एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, एवरीथिंग हैज़ बीन ऑल्टर्ड, इन्होंने हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करा है। और सच में गाइस इनका माइंडसेट उसी जगह है, और जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स हमें दिख रही है ना, जिस तरह की अमेजिंग फिजिक इनकी दिख रही है, मतलब अभी हमने इनकी अपडेट जो कवर करी थी रिसेंट वो थी 4 weeks आउट, और उसके अंदर गाइस 4 weeks आउट होने के बाद भी इन्होंने जो ऑफ सीजन में मसल मास ऐड करी थी उससे काफ़ी अलग लेवल तक रिटेन कर पाए हैं। और इसीलिए गाइस जिस तरह से डाइस लग रहे हैं उसको रिटेन करते हुए भी मुझे लग रहा है कोई भी डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा चैलेंज नहीं बन पाएगा हंटर के लिए इटली प्रो में, एंड ही विल डेफिनेटली क्वालिफाई। और क्वालिफाई करने के बाद इस तरह की इंप्रूवमेंट्स के साथ गाइस मैं ये तो नहीं देखता कि हंटर इस बार अपनी प्लेसिंग अप कर लेंगे, बिकॉज ऊपर का लाइनअप और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट फॉर हंटर लेब्राडा, लेकिन गाइस मैं डेफिनेटली ये देखता हूँ कि वो टॉप 6 पर यानी 6 प्लेस अपनी रिटेन कर पाएंगे ज़रूर। बाकी अब चलिए गाइस टॉप 5 की तरफ, अब मुकाबला होने वाला है बहुत ही संगीन, बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। तो यहाँ पर गाइस 5th और 4th प्लेस के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ सैमसन डाडा और निक वॉकर को। यस गाइस, इन दोनों में से देखो 4th पर कोई भी प्लेस हो सकता है, 5th पर कोई भी प्लेस हो सकता है, इन दोनों के बारे में सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं बोला जा सकता। अब ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि देखो सैमसन डाडा गाइस इस बार मसल मास बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर बार ये ऐड कर लेते हैं बिना ऑफ सीजन लिए, मतलब उनको थोड़ा सा टाइम दोगे ना उसमें ही मसल मास ऐड कर लेंगे। और उसके बाद भी गाइस कंडीशन वाला एस्पेक्ट अभी तक सैमसन नेल करके नहीं दिखा पाए हमें, श्रेडिड आने वाला एस्पेक्ट हमें नेल करके नहीं दिखा पाए। और जिस तरह से गाइस जजेस बात करते हैं ना, जजेस के हिसाब से यही है कि भाई आप इंप्रूवमेंट दिखाओ लास्ट शो के कंपैरेटिवली। अगर जजेस ने आपको बोल दिया कि आपको कंडीशन में इंप्रूवमेंट दिखानी है और आपने उस एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, तो फिर चाहे आप लास्ट शो के जैसे ही आ जाओ या फिर और ज़्यादा मसल मास ऐड करके आ जाओ, बट आपको जो फीडबैक दिया गया है अगर उस पर वर्क नहीं करा गया तो फिर जजेस उसको इस तरह से कंसीडर नहीं करते। और सैमसन के साथ एक यही बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, बहुत बड़ा वेरिएबल रहा है कि वो अपने फ्रेम को कंडीशन उस तरह से नहीं ला पाते, श्रेडिड उस तरह से नहीं ला पाते। इसीलिए गाइस मैं उनको 4th या फिर 5th प्लेस पर देखता हूँ इस बार, दूसरे 4th या 5th के कंटेंडर में देखता हूँ निक वॉकर को। गाइस अब निक वॉकर को 3rd प्लेस से नीचे क्यों प्लेस कर देगा? आप जानते हो निक वॉकर मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन वी कैन नॉट बी बायस्ड गाइस। हम सबको गाइस जो एक्चुअल में लग रहा है, जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पर निक को हम खिसकते हुए देखेंगे 3rd प्लेस से इधर 4th पर या फिर 5th पर। देखो निक का रिटर्न होता था इस साल आफ्टर अ लॉन्ग गैप, लास्ट ईयर वो कंपीट करने वाले थे अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से, एंड टाइम पर उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, एंड ही वॉज लुकिंग रियली गुड गाइज। मतलब अगर लास्ट ईयर यहाँ पर निक वॉकर कंपीट करते तो डेफिनेटली टॉप 3 के बैटल में या टॉप 2 के बैटल में, और इनफैक्ट ये भी पॉसिबल था पूरी तरह से जिस तरह से निक वॉकर लग रहे थे कि वो टाइटल जीत जाते, लेकिन इस साल इट इज़ मोर देन डिफिकल्ट फॉर एवरी वन
एंड स्पेशली फॉर निक वॉकर, क्योंकि देखो उनको हमने जब रिटर्न करते हुए देखा बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, उन्होंने गेस्ट पोजिंग वगैरह करने आए पिट्सबर्ग प्रो में, वहां पर हमें उनका पैकेज इतना अच्छा नहीं लगा, उसके बाद भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपने असली पैकेज को इन्होंने न्यूयॉर्क प्रो के लिए बचा के रखा है, बिकॉज गेस्ट पोजिंग के लिए आप पूरी पीक हिट करके आओ इसका कोई मतलब बनता नहीं, तो लोग वेट कर रहे थे न्यूयॉर्क प्रो के वर्जन के लिए। न्यूयॉर्क प्रो में यस ही डेफिनेटली केम इन रियली गुड, कॉर्ड्स में इंप्रूवमेंट्स थी टाइलर मिनियन तक ने कहा, लेकिन गाइस इनके स्टमक पर, इनके एब्डोमिनल पर, इनकी वेस्ट को हमने थोड़ा सा ग्रो करता हुआ देखा, वेस्ट को और थोड़ा सा थिकर साइड पर देखा, स्टमक कंट्रोल उतना स्ट्रांग हमें नहीं दिखाई दिया, और मार्टिन फिट्सवाटन ने इनको स्पेशली जिस तरह पुश करा वो चीज़ इनके लिए काफ़ी अच्छी नहीं गई गाइस, लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा ओवरलुक करना स्टार्ट कर दिया, अब इनको कोई भी स्पेशली आई थिंक इस साल कंसीडर नहीं कर रहा है टाइटल का कंटेंडर, और आई थिंक मेरे हिसाब से गाइस हो सकता है ये हम सबको शॉक कर दें, बिकॉज निक हैज़ प्रूवन दिस एवरी सिंगल टाइम, पूरी तरह पॉसिबल है कि एक ऐसा पैकेट लेकर आ जाए, बिकॉज अभी कुछ टाइम से ना ये अपडेट्स इतनी रिसेंटली हमें दे भी नहीं रहे, बहुत रेयरली हमें इनकी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, जबकि ये निक का बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। He has been silent. I think इस शो ने यानी न्यूयॉर्क प्रो ने इनको पूरी तरह से मूव कर दिया है, फोकस कर दिया है और पूरी तरह से अपनी कमियों को ये जो कि हमें दिखाई दी थी एलिमिनेट करने पर लग गए हैं, और एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ एक बहुत ही म्यूटेंट वर्जन हमें देखने को मिले, बाकी आई रियली होप हमें ऐसा देखने को मिल जाए और निक एक्चुअल में सरप्राइज कर दें, लेकिन अभी की अपडेट्स के हिसाब से, अभी की परफॉर्मेंस के हिसाब से, अभी जैसे दूसरे दिख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ गाइस फोर्थ या फिफ्थ प्लेस पर, और अब गाइस बारी है टॉप थ्री की, और टॉप थ्री के लिए थर्ड प्लेस पर मैं देखता हूँ एंड्रू चैट को। अब एंड्रू को थर्ड प्लेस पर क्यों कंसीडर करा जा रहा है, बिकॉज देखो इस बार एंड्रू ने सबसे लंबा ऑफ सीजन लिया एंड पीपल वर रियली एक्साइटेड कि किस तरह की इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, किस तरह का पैकेज हमें देखने को मिलता है, और एंड्रू को गाइस आईबीबी प्रो बने हुए ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप, मतलब एंड्रू हैज़ बीन प्रो जस्ट फॉर 3 ईयर्स और उनमें ही इन्होंने टॉप फाइव तक अपनी प्लेसिंग लेकर आ चुके हैं, टॉप फाइव क्रैक कर चुके हैं, तो अब इस साल जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स इन्होंने दिखाई हैं टैक्स ऑफ प्रो में जब ये रिटर्न करेगा इस अपने शो में कम्पीट करने के लिए, ही वॉज रियली नेल बाइटिंग, ही वॉज रियली रियली इंक्रेडिबल, ही वॉज सो डैम इंप्रूव्ड, हर एक मसल पर जहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी वहाँ पर इन्होंने इंप्रूवमेंट करी, हर एक मसल पर थिकनेस एडिड दिख रही थी, कंडीशन यस इनकी पी जजिंग में उतनी ज़्यादा टाइट साइड पर नहीं थी, लेकिन फाइनल्स में ही वॉज इवन टाइटर, मोर कंडीशन, मोर ड्राई साइड पर थे और कोई भी इनका कॉम्पिटिशन नहीं था गाइज, वहाँ पर एवरी वन दैट वॉज कम्पीटिंग वो ऐसा लग रहा था कि एमेच्योर हों और ये ही प्रो हों वहाँ पर सिर्फ कम्पीट करते हुए, तो एक बहुत बड़ी मार्जिन से इन्होंने शो जीता। उसके बाद टाइलर मिनियन ने जैसे वर्ड इनके लिए यूज़ करे ना गाइज, उससे तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि ये टाइटल जीत सकते हैं, और दैट इज़ टोटली पॉसिबल। मैं भी थर्ड प्लेस पर इसलिए रख रहा हूँ गाइस क्योंकि एंड्रू जैक एक सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स में थोड़ा सा मात खाते हुए दिखेंगे यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ साइज, डायरेक्ट कंपैरेटिवली और हार्डी कंपैरेटिवली, साथ में कंडीशन अगर उस तरह की नेल नहीं कर पाए तो इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, बट एक चीज़ आप याद रखो पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग के बाद जब टाइलर मिनियन वगैरह ने और सारे पॉडकास्टर्स वगैरह ने जैसे बात करी थी ना उनके बारे में, उसी तरीके से टेक्सास प्रो के बाद में यहाँ एंड्रू के बारे में बात करी गई है, तो एक तरह से स्टेज पूरी तरह से सेट है, परफेक्शन लाने की ज़रूरत है एंड्रू को मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, अगर वो 50% भी परफेक्शन के साथ आ गए गाइस तो ही इज़ गोइंग टू बी जस्ट दियर, टाइटल उनको दे दिया जाएगा, इट इज़ टोटली पॉसिबल। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स इन्होंने हमें दिखाई हैं, जैसा जजिस ने बोला था इन्होंने एक्चुअल में वैसे ही करा गाइस, और यही चीज़ जजिस बिल्कुल कंसीडर करेंगे। बाकी अब बात आती है गाइस टॉप टू की, और टॉप टू के लिए आप लोग सोचोगे कि मैं डेरेक को जिताऊंगा या हार्डी को, मेरे हिसाब से गाइस अगर मेरी प्रेडिक्शन पूछोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर मैं देखता हूँ डेरेक लंसफर्ड को। अब डेरेक को सेकंड प्लेस पर देखने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है गाइस कि हार्डी हैज़ इम्प्रूव्ड लाइक क्रेजी, हार्डी एक अलग ही लेवल पर इम्प्रूव कर चुके हैं, मसल मास बोल लो बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐड कर ली जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बैक बोल लो अलग ही लेवल पर उन्होंने बिंग अप कर ली, मसल मैच्योरिटी आप जानते हो उनकी, कंडीशनिंग 8 वीक्स आउट 9 वीक्स आउट में उनकी ऐसी है ना कोई भी कंपैरिजन में नहीं है, सिर्फ यही नहीं किसी भी डिवीजन का कोई भी उठा लो कोई भी कंपैरिजन में नहीं है, ऐसी स्ट्राइशंस ऐसे फाइबर्स वगैरह वो विजिबल हैं उनके फिजीक के ऊपर, ऐसी फिजीक वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि बस देर इज़ नो कंपैरिजन एज ऑफ राइट नाउ, अगर अभी भी आप स्टेज पर चढ़ा दोगे ना सबको तो हार्डी चुपन इज़ गोइंग टू लुक इंक्रेडिबल, तो यही बात है गाइज हार्डी जिस तरह से खुद को पुश करा है, जिस तरह से उन्होंने दोनों आर्नोल्ड क्लासिक जीत कर इस साल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाया है कि भाई देखो आप मुझे पूरा एक साल दे रहे हो, मैं तो 10-12 हफ्ते के अंदर ही इतनी इंप्रूवमेंट्स करके दिखा सकता हूँ कि आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस लगेगा मेरी पहले की फिजिक में और अभी की फिजिक में, इररेस्पेक्टिव ऑफ माई एज, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ लॉन्ग आई हैव बीन ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को तो भूल ही जाओ बिल्कुल पूरी तरीके से, और यही रीज़न है हार्डी मुझे इस साल गाइस टाइटल जीतते हुए दिखते हैं। बाकी हार्डी इज़ गोइंग एज अ फेवरेट, कोई भी सरप्राइज नहीं होगा अगर हार्डी टाइटल जीतते हैं, एक बहुत ही कंप्लीट प्योर बॉडी बिल्डर,
जो उस लेवल पर कंडीशन आते हैं जिस लेवल पर हम आज के टाइम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गाइस। बाकी अगर सेकंड प्लेसर की बात करें तो यहाँ पर मैं डेरेक लंसफर्ड की बात करूँगा, एंड डेरेक लंसफर्ड एक्चुअल में गाइस इंप्रूव तो करें हैं, उनकी कॉर्ड्स भी इंप्रूव लग रही हैं, बैक पोज में और ज़्यादा थिकनेस एडिड है, और ज़्यादा साइज एडिड है, मतलब बैक पोज तो इन्होंने अनमैचेबल अनबीटेबल बना दिए हैं। अगर मैं बैक डबल बाइसेप की बात करूँ, बैक लेग स्प्रेड पोज में काफ़ी हद तक ना यहाँ पर गैप हार्डी शुपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिस तरह से उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी हैं और जिस तरह से वो आर्नोल्ड क्लासिक में भी दिखे थे, वो देखो सिर्फ 10-12 वीक्स की इंप्रूवमेंट थी, अब उसके बाद कितने और वीक्स, आई थिंक 40 वीक्स और इनको ऑलरेडी मिल गए हैं, तो आप समझ जाओ किस तरह से इंप्रूव आएंगे, किस तरह से हैवी ट्रेनिंग करते हुए हमें दिखाई दिए। बाकी आप कंडीशनिंग मैच कर लो, मसल सेपरेशन मैच कर लो, वो उस तरह से डायरेक्ट के पास अभी भी नहीं दिख रही है, चाहे वो आप चेस्ट में बोल लो या फिर आर्म्स वगैरह में बोल लो, और यही चीज़ें इनके अगेंस्ट आएंगी गाइस। इंप्रूवमेंट्स का अगर ग्राफ देखें ना तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर हमें हार्डी की और एंड्रू की ही देखने को मिली है इस साल में, और इसीलिए गाइस इन दोनों के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। एंड्रू को मैंने थर्ड प्लेस पर रखने का रीज़न आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्लेस के लिए मैं हार्डी को ही कंसीडर करूँगा। डायरेक्ट यस गाइस, अगर ये अपनी कंडीशनिंग उस तरह की नेल करके आ जाते हैं, फ्रंट से भी उस तरह से आ जाते हैं जैसे बैक से आते हैं, एक पूरा कॉम्बिनेशन लेकर आ जाते हैं, और एंड टाइम पर गाइस यानी प्रेप मोड में अभी जब इनका टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अपने लेग्स की अपने कॉर्ड्स का साइज ये रिटेन कर लेते हैं, तो इनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग जाएगी, और इस बेस पर चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। बट अभी के लिए गाइस आप मेरी प्रेडिक्शन पूछोगे तो वो है गाइस, हार्डी चुपन इज गोइंग टू विन द टाइटल, एंड फिर से एक बार हिस्ट्री बनेगी। जे कटलर ने जो चीज़ एक बार करी थी वही चीज़ हार्डी दोबारा से रिपीट करेंगे, टाइटल लूज करके रीगेन कर लेने वाली। एंड एक चीज़ और गाइस, आपने देखा होगा बिग रैमी के जैसे ग्लूट्स की तारीफ होती थी, उसके बाद जब जजेस का बिल्कुल मन भरा एकदम से उन्होंने उनके ग्लूट्स पे बहुत बड़े बड़े बम्प्स की बात कर ली, जैसे वो पहले विजिबल थे ही नहीं। चलो ठीक है, पहले विजिबल इतने स्ट्रांगली नहीं थे, बट दे वर राइट देयर गाइस, उनकी कॉर्ड्स भी वैसी थी, उनके ग्लूट्स पर भी बम्प्स थे। और इसी तरह गाइज आप जानते हो डेरेक के लैट्स को लेकर भी काफ़ी लम्ब्स वाली बात होती है, एंड दैट इज़ टोटली ट्रू। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जजेस का जब मन करता है ना गाइज, तो आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी स्ट्रेंथ को ही कैसे वो बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और उसी को वीकनेस की तरह कंसीडर कर लेते हैं। दे कैन टर्न ऑन यू लाइक नथिंग, एक ब्लिंक ऑफ द आई में ऐसे वो टर्न कर जाएंगे जैसे कोई बात थी नहीं, यू आर नॉट दैट स्ट्रांग। और यही चीज़ गाइज मुझे लगती है इस बार भी होती हुई डायरेक्ट के अगेंस्ट। बाकी आई होप ये प्रेडिक्शन वीडियो आपको पसंद आया होगा। फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो हम बिल्कुल मिस्टर ओलंपिया के करीब बनाएंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दो इस वीडियो के बारे में, मेरे एफर्ट्स के बारे में, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।